जो अपनी दिव्यता व वैभव से चमकती है वो है काशी, जो अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित करती है वो है काशी, जहाँ पाप कर्मों का नाश हो वो है काशी, जहाँ स्वयं रुद्र का निवास हो वो है काशी। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस पावन भूमि तक पहुंच पाते हैं, और ऐसा ही सौभाग्य मुझे और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स को मिला जब हमने अपनी गर्ल्स ट्रिप काशी में प्लान की। वेलकम टू द गर्ल्स ट्रिप टू काशी। हमारी टिकट्स वंदे भारत में बुक थी, जो कि दिल्ली से 6 बजे रवाना होकर वाराणसी 2 बजे पहुंचती है। सुबह के बज रहे 5:30 ऑलमोस्ट, और मैं खड़ी हूँ अपनी दोस्तियों के साथ। दिल्ली टू वाराणसी वंदे भारत की 6 कार की टिकट प्राइसेस थी 1800 रुपए पर पर्सन। वंदे भारत में मैं पहली बार ट्रैवल कर रही थी एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। कंफर्ट और क्लीनलीनेस के मामले में इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। हालांकि खाने में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये आती सोशलाइजिंग स्टार्ट हो गई है दिल्ली में की, और ये देखो ये क्या लेके आई है, चंपक। अरे बेस्ट, ओके। इट्स अ रियली गुड चाय। लंच के आधे एक घंटे बाद करीब 1:50 पे हम वाराणसी पहुंच गए थे। वाराणसी पहुंच गए। Let's go. And there were some really beautiful paintings on the walls of railway station. Railway station भी ठीक ठाक बड़ा था, newly constructed लग रहा था। हम जल्दी से ऑटो करके होटल पहुंचे, फ्रेश हुए फटाफट और निकल गए 80 घाट के लिए। So we have left for दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे हम जाएंगे, पहले 80 घाट जाएंगे आई थिंक, एंड वहाँ से बोटिंग करके हम दशाश्वमेध घाट जाएंगे। एंड या आई एम रियली एक्साइटेड, मैं बहुत सालों बाद आई हूँ यहाँ पे, एंड इट्स ऑल गर्ल्स ट्रिप एंड आई एम सो एक्साइटेड। वो लोग पीछे जा रहे हैं। हमारा होटल घाट के बहुत पास में था, तो ई रिक्शा किया और 5-7 मिनट में घाट पहुंच गए। रिक्शा की सवारी, 80 घाट की तैयारी। थोड़ा सा नाला, ओके, आई एम लॉगिंग द नाला एंड द ट्रैफिक। ऑटो ने हमें यहाँ ड्रॉप किया है और अब यहाँ से हमें पैदल जाना है। सो इट्स नॉट वेरी फार आई गेस, लेट्स गो। अच्छा, इस दिन मुझे तैयार करने का क्रेडिट दीप्तिमा को जाता है। मैं ट्रैवल में मेकअप ही नहीं करती और उस दिन तो मैं इतना करने वाली भी नहीं थी, बट दीप्तिमा मुझे बिना लाइट मेकअप के कैसे जाने देती। शी मेड मी लुक सो गुड। सो अब हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, और वी हैव गॉट अ स्पीड बोट जिसपे 1 घंटे में 84 घाट हो जाएंगे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ये पहली बार करूँगी आई थिंक मैं। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 1 ही घाट घूमा था, वो भी हैंड बोट थी। और लुक एट द रिवर गंगा मैया, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। फॉर्चुनेटली हवा चल रही है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा टॉलरेबल है। ह्यूमिड है लेकिन इट्स नॉट टू ह्यूमिड, इट्स एक्चुअली गुड। देख रहे हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं। सो हमारी बोट आ गई है, लेट्स गो। जैसे ही बोट चलने लगी, ओ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई वॉज टोटली एक्सटैटिक, बहुत बहुत ज्यादा खुश। दैट एंटायर सीन ऑफ दैट इवनिंग वॉज सो ब्यूटिफुल। गंगा जी का इतना ब्यूटिफुल हरे रंग का कलकल करता पानी, ऊपर इतना ब्राइट ब्लू स्काई जिसमें बहुत ही सुंदर ड्रामेटिक क्लाउड्स, और जो हवा चल रही है, फ्रेश हवा, ठंडी हवा, वाव। और घाट तो इतना सुंदर लग रहा था
जिसे उस शाम के सनसेट ने तो हेवनली लुक दिया था। ब्यूटिफुल, अमेजिंग। वरुणा और अस्सी को मिला के बनता है वाराणसी। ये दोनों गंगा जी की दो ट्रिब्यूटरीज का नाम है जो अभी भी वहां बहती हैं। वाराणसी को एंशियंट टेक्स्ट में काशिका यानी जो प्रकाशित है, अभिमुक्ता यानी जिसे शिवजी ने कभी नहीं छोड़ा, आनंद कानन यानी आनंद का वन, रुद्रवासा यानी जहां रुद्र का निवास है, और महाशमशान भी कहा गया है। उसके बाद हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट बोट से गंगा आरती देखने के लिए, और साथ ही साथ चाय का आनंद। बहुत दूर से आरती देखी थी, but it was still a very beautiful, amazing and spiritual experience. But next time, मैं definitely घाट पे बैठ के वहीं पास से आरती देखूंगी। अंधेरे में लाइट्स चलने के बाद तो घाट का लुक ही चेंज हो जाता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट मेरे हिसाब से वो कलर्ड लाइट्स इतनी अच्छी नहीं लगती। सिर्फ गोल्डन लाइट्स चलें तो घाट ज्यादा सुंदर और स्पिरिचुअल लगेगा, नहीं? अस्सी घाट वापस पहुंचते ही सबसे पहले हमने पेट पूजा का इंतजाम किया और फॉर्चुनेटली वही हमें पिज़्ज़ेरिया मिल गया। Look at the interiors of pizzeria. This is nice. Like, look at that. तो हमारा रेवियोली आ गया है। इट इज सो थिक ग्रेवी यार। दिस रेवियोली इज गुड, लाइक रियली गुड। ये देखो, मुझे इतना अच्छा तैयार किया है लड़कियों ने। आज की छोटी है कर्सी अग्नि बानर। थैंक यू। एकदम चिलचिलाती सी धूप है, लेकिन बादल हैं। पर अब घूमने आए हैं तो क्या गर्मी क्या ह्यूमिडिटी सब हो जाएगा, सब बर्दाश्त कर लेंगे। और आज अग्नि की कीवी चोटी तो मुझे बचा ही रही है। सिर्फ चोटी ही नहीं, पूरा मेकअप अग्नि बांधना की कर्ची था। इतने शौक से इतना अच्छा मेकअप किया था उसने मेरा उस दिन। वही पीछे ही ऑटो वगैरह रुक जाती है और थोड़ा वॉक करके जाना होता है मंदिर तक। We did some bangle shopping. मैंने इस तरह का बैंगल लिया है और एक लाख का लिया है, सिमिलर टू दिस वन। तो हम आ गए बाबा ठंडाई। यहाँ की बहुत ही पुरानी ठंडाई की दुकान है, बहुत फेमस बताते हैं। Let's check it out.
ठंडाई। गुड। चूड़ियों और ठंडाई के ब्रेक के बाद फाइनली हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर के ऑफिस, जहां से हमें मंगला आरती के लिए टिकट लेना था। थोड़ा रश तो था, लेकिन प्रोसेस सिस्टमैटिक था। ये मिल गया हमको तो हमें हमारा टिकट मिल गया है। आज रात की आरती का है, मंगला आरती का स्लॉट फुल था अनफॉर्चुनेटली। वही टिकटिंग ऑफिस में था ये सुविनियर शॉप। काफी अच्छा स्टफ मिल रहा था, स्पेशली ये मूर्तियाँ, दो तीन मैंने भी अपने लिए ली। इसके बाद सबसे पहले हमने लंच किया और फिर निकल गए अपने नेक्स्ट स्टॉप पर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। सो लंच वंच करके अब हम निकल गए हैं काल भैरव मंदिर के लिए, और उसके लिए हमने रिक्शा कर लिए है। पहली बार जाऊंगी काल भैरव मंदिर। आई हैव नो आईडिया हाउ इट इज, सो लेट्स गो एंड सी। बहुत चिलचिलाती धूप है भाई साहब। बाबा के मंदिर का रास्ता पतली पतली गलियों के थ्रू था, और उन गलियों की दीवारों पे क्या पेंटिंग्स थी, वाओ। काल का मतलब समय भी है, मृत्यु भी। टाइम एंड डेथ। काल भैरव वो हैं जो समय और मृत्यु दोनों के डर को दूर करते हैं। ये मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये शिवजी के अवतार बटुक भैरव जी को डेडिकेटेड है, जिनका वाहन कुत्ता है और उनके हाथ में त्रिशूल और मोर पंख का गुच्छा होता है। काल भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हैं, एंड नाउ हम जाएंगे संकट मुझे हनुमान मंदिर। ये जो गले पे जो मेरी माला है, ये भैरव बाबा को चढ़ती है, ये दोने का पत्ता होता है। अब इसको गाय को दे देंगे, वो खा लेगी। ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली, गाय तो ये पत्ते खाती ही नहीं है। ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनवाया था, जहाँ पे उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति बड़ी क्यूट सी है, और उनके जस्ट सामने श्री राम जी का मंदिर है, जो कि काफी पुराना सा है और बहुत सुंदर है। जस्ट केम आउट ऑफ फ्रॉम द दर्शन ऑफ संकट मुझे हनुमान जी, और यहाँ पे अंदर थोड़ा सा क्यू था, बट इट वॉज वेरी फास्ट मूविंग, तो जल्दी से दर्शन भी हो गए। इट वॉज रियली गुड, अमेजिंग वाइब। शाम भी हो गई थी और भीड़ भी पड़ गई थी, बट वो पूरा एरिया लाइट्स के साथ बहुत सुंदर लग रहा था। कुल्फी एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए साड़ी शॉपिंग के लिए। अब भाई बनारस आए हैं तो बनारसी साड़ी तो बनती है। और ये है वो साड़ी जो मैंने ली थी, खड्डी जॉर्जेट। सो ब्यूटीफुल है ना। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं, बहुत ही दिक्कत और मुश्किल के साथ में, धक्का मुक्की में, बट इट वाज सो वर्थ इट। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल। जय भोलेनाथ। मंदिर प्रमाइसिस में ना ही फोन अलाउड है और ना ही स्मार्ट वॉच, इनफैक्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं। दर्शन के बाद एकदम सीधा साधा सिंपल खाना। ये भाई लोगों सुबह 6 बजे का सीन है, देख लो तुम। कौन कह रहा है सुबह 6 बजे खाट खाली मिलेगा, हम ऐसी हालत भी आ गए हैं। सुबह सुबह 6 बजे सोए हुए नहीं है बिल्कुल भी। जाते हैं और कुछ बहुत भक्ति। हमारा प्लान था बोट में बैठ के सनराइज देखेंगे। रात भर जगने के बाद भी हम टाइम से नहीं पहुंचे, सनराइज हो चुका था। Nevertheless, it was still the best decision. सुबह सुबह बोटिंग करके जो आनंद आया, आ हा 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 हा। सुबह सुबह गंगा जी का पानी और घाट दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, एक अलग ही तरह की शांति थी। बोट वाला हमें गंगा जी के दूसरे किनारे ले गया, जहाँ सैंड बीच था, वहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। यहाँ गंगा जी का पानी पिघली हुई चांदी की तरह नहीं लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। फाइनली हमें कचौड़ी सब्जी खाने का मौका मिला, और इसके बाद हम गए अपने होटल, फिर ट्रेन और फिर घर।
So yeah guys, that's it in this video. I hope ये आपको पसंद आया हो और अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें जहां मैं रील्स और पोस्ट डालती रहती हूँ. See you in the next one. Bye bye. आज हम मंदिर जाएंगे, पता करेंगे थोड़ी पता करेंगे हमारे मंदिर के दर्शन कैसे हो सकते हैं और चाट खाएंगे शॉपिंग करेंगे और बार्गेनिंग करेंगे और क्या करेंगे बस पता नहीं करेंगे.